दक्ष महाराज कठिन आराधन कठिन उपासना और माँ जगदम्बा प्रकट हुई दक्ष के सामने माँ और दक्ष महाराज ने माँ की उपस्थिति में कहा माँ मैं आपके पास वरदान लेने के लिए आया हूँ प्रसिद्ध भगवती माँ आप मेरे पर प्रसन्न हैं माँ मुझे वरदान दीजिए ये दक्ष महाराज ने माँ के आगे जिज्ञासा व्यक्त की याचना की मुझे मुझे वर चाहिए मुझे वरदान चाहिए जो शिव महापण अंतर्गत है माँ जगदम्बा ने कहा दक्ष महाराज आप वरदान मांगे दक्ष महाराज ने कहा माँ मेरे आंगन को पावन करे मेरा जीवन अधूरा है मेरे जीवन को पूर्ण कर मेरे दाम्पत्य जीवन को धन्य बना माँ आप स्वयं मेरी पुत्री बनकर मेरे वहां प्रकट हो जाओ जगत हित के लिए लोक हित के लिए लोक कल्याण के लिए माँ भवानी ने कहा कि दक्ष जरूर अवसर आने पर आपके वहां मैं आपकी पुत्री बनकर प्रकट होऊंगी याद रखना तेरी दृष्टि में मैं जगत की माता हूं और जगत की दृष्टि में मैं तेरी पुत्री रहूंगी लेकिन सुनो जब आपकी अहंकार की मात्रा बढ़ जाएगी अभिमान में आप जब मेरा अनादर अपमान करेंगे तब मैं मेरे देह का त्याग करूंगी दक्ष महाराज ने कहा मां मैं सरल रहूंगा मां कभी मैं अनादर नहीं करूंगा मैं कभी अभिमानी नहीं बनूंगा ऐसे बात को लेकर माँ जगदम्बा की दिव्य स्तुति करके माँ भवानी ने वरदान दिया वचन दिया है कि अवसर आने पर आपके वहां मैं पुत्री रूप में प्रकट होऊंगी।